हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जैसा कि हमने वेजिटेशन के बारे में समझ लिया है, वाइल्ड लाइफ के बारे में समझ लिया है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी के लिए, क्या है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज हमारे टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो हमारे बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारे फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है, हमारे नेचुरल हैबिटेट में वो एग्जिस्ट करता है, जो कि आपस में क्या हुआ हुआ होता है, जो आपस में इंटरलिंक हुआ हुआ होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है अनदर फॉर सर्वाइवल, ताकि क्या हो सके, ताकि उनका सर्वाइवल हो सके। तो हमें ये तो समझ में आ चुका है कि सर जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है उनके बीच में एक इंटर कनेक्शन होता है, एक इंटरलिंक होता है, जिससे वो दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द इकोसिस्टम। इस स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, इस स्ट्रक्चर को नाम से जाना जाता है इकोसिस्टम के नाम से। तो हमें ये तो समझ में आ चुका है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कि सर जो एनिमल है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है सर नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, और वेजिटेशन भी कहीं ना कहीं एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है। किसके लिए डिपेंड होता है, तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि सर जैसे हमारे जो एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं, व्हेन दे डाई, तो होता क्या है ना कि उनका जो बॉडी है वो डिकम्पोज होना शुरू होता है। जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है तो उससे कई सारे है ना नेचुरल जो मिनरल्स विटामिन जो होते हैं ना, वो हमारा जो सरफेस होता है, जो वहाँ पर लैंड होता है, उसके अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ पर प्लांट्स है वो उसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो उनके ओवरऑल सिस्टम के लिए ह्यूमस का वो काम करता है। फिर हम आगे देखते हैं, बोथ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड हेंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जब हम बात करते हैं वेजिटेशन की, जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, साथ ही साथ हमारा जो ज्योग्राफी है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट ये बेस तैयार करते हैं हमारे लिए। फिर हम आगे देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीफ फैक्टर्स। जो इंडिया का वेजिटेशन है, जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लैंड पे, ऑयल पे। तो हमें समझ में आ गया है कि सर जो लैंड है और जो सॉइल है वो एक ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे इंडिया की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फिर हम देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक ऐसा फैक्टर है, जैसे क्लाइमेट में आते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल और जो सनलाइट है, वो सारे के सारे ये जो फैक्टर है, ये हमारा जो वेजिटेशन है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, इन सभी को क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वाइल्ड लाइफ को, जो हमारे वेजिटेशन को डिसाइड करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर वाइल्ड एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम फाउना के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो सर प्लांट्स को हम किस नाम से जानते हैं, फ्लोरा के नाम से जानते हैं। तो फाउना मतलब एनिमल्स है, फ्लोरा मतलब हमारे प्लांट्स हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन नेचर। जब हम बात करते हैं इन दोनों की ही, तो ये दोनों ही साथ मिलकर क्या करते हैं, नेचर की एक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फ्लोरा कैन मेक देयर ओन फूड। अब बात करते हैं फ्लोरा की, तो जो फ्लोरा होता है, जो प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉफ मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण वो क्या कर लेते हैं, वो अपना फूड बना लेते हैं, मतलब सर वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ होने के कारण वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। वाइल्ड फ्लोरा कैन मेक देयर ओन फूड। जो फ्लोरा होता है मतलब जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं फाउना की, तो सर फाउना ऐसा नहीं कर सकते, उनको किस पर डिपेंड होना पड़ता है, उनको फ्लोरा पर डिपेंड होना पड़ता है अपने फूड के लिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फाउना होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ चुका है कि सर जो फाउना है वो कैसे डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, तो सर वो प्लांट पे भी डिपेंड होता है, कुछ ऐसा भी फाउना होता है, कुछ ऐसा भी एनिमल होते हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द मैनकाइंड। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो सर प्लांट्स क्या है, एक सोर्स ऑफ फूड है पूरे मैनकाइंड के लिए। द फूड चेन इज डिपेंडेंट ऑन दिस वेजिटेशन। जब हम बात करते हैं हमारी फूड चेन की, तो जो ये फूड चेन है, इसकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत किससे होती है, वेजिटेशन से ही तो होती है, प्लांट से ही तो होती है, क्योंकि सर हम हमारा फूड खुद जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स की, जो फोटोसिंथेसिस से खुद का फूड खुद जनरेट कर सकते हैं, खुद का फूड खुद बना सकते हैं, तो ऐसे में हमें यह समझ में आता है कि सर वो कौन होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर्स होने के कारण जो फूड है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, वेजिटेशन से मिलता है, और ये पूरी पूरी जो हमारी फूड चेन है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी वो बन जाते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड करता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, सर कुछ ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं जो वेजिटेशन, वो वेजिटेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो प्लांट से उन्हें कंज्यूम करते हैं। पर जब हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस की, नॉन वेजिटेरियंस किसको कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, और ये जो एनिमल्स है वो किन्हें कंज्यूम करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में एक चेन बन जाती है कि सर जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर कौन डिपेंड है, एनिमल डिपेंड है, एनिमल किसके, एनिमल जो है इसके ऊपर कौन डिपेंड है, उसके ऊपर ह्यूमन डिपेंड है। तो ऐसे में ये चेन का फॉर्म
फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो चेन होती है यही हमें बताती है कि सर जो फूड चेन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इन एन इनडायरेक्ट मैनर कैटल प्रोवाइड्स अस विद अ मिल्क वूल मीट एक्सेट्रा, दे सर्वाइव ऑन प्लांट्स एंड अदर वेजिटेटिव एरियाज दैट प्रोवाइड देम विद फीड। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मैनर की, डायरेक्ट का तो हमें समझ में आ गया, डायरेक्ट हमने कंज्यूम कर लिया, इनडायरेक्ट मैनर में जब हम बात करते हैं कैटल की, तो कैटल जो है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क प्रोवाइड करता है, वूल प्रोवाइड करता है, मीट हमें प्रोवाइड करता है। पर सर जो कैटल होता है वो खुद किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है सर अपने सर्वाइवर के लिए प्लांट्स के ऊपर, साथ ही साथ जो अदर वेजिटेटिव एरियाज होते हैं जहाँ पे अलग अलग वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है, उन सभी वेजिटेटिव एरियाज, उन सभी प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंड होता है, उन सभी प्लांट्स के ऊपर हमारा जो कैटल है वो डिपेंड होता है, और कैटल हमें क्या देता है, मिल्क वूल मीट एक्सेट्रा। फिर हम आगे देखते हैं फर्दर, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ट्राइब्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जो फॉरेस्ट में रहा करते हैं, जो फॉरेस्ट के क्या होते हैं, ट्राइब्स होते हैं। तो सर वो जो ट्राइब्स होते हैं उन्हें क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। वुड इज डिराइव फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हैज मल्टीपल यूजेस लाइक द मेकिंग हाउसेस, शेल्टर, फर्नीचर एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, और ये जो वुड है उसका यूज किया जाता है ताकि हाउसेस बनाए जा सके, शेल्टर्स बनाए जा सके, फर्नीचर्स बनाए जा सके। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल वुड, गम एक्सेट्रा। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट से कई सारे हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं। इन रॉ मटेरियल्स का जो यूज है वो हम हमारी इंडस्ट्रीज में करते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं वुड की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं गम की। इन दोनों का ही यूज किस में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो ऐसे में हम ये समझ चुके हैं कि सर इंडस्ट्रीज के लिए एज वेल एज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी किसकी जरूरत है, फॉरेस्ट की जरूरत है, वाइल्ड लाइफ की जरूरत है। तो ऐसे में ये दोनों ही फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अर्थ के एनवायरमेंट के लिए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इस कोर्स चैनल को। थैंक यू।